बच्चे मुझे माफ कर दो। क्यों? तूने ही कहा था ना कि तेरे बाल बच्चों को पता है कि तू कितना बड़ा कमीना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुकाने का बड़ा शौक था ना तुझे, आज तेरा यह हाल है कि तू अपने घुटनों पे खड़े रहने के लायक नहीं है। क्या देख रहा है? तेरी घड़ी। 350 रुपए की HMT है, किसी भाई की दी हुई रोलेक्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर, वक्त तो दोनों दिखाती है, तेरी तो नियत भी दिखा रही है। क्या मतलब? जब तू गाड़ी में आकर बैठा तो 2:05 हुए थे, अब 3 बज रहे। पटाला कॉलेज से साइना हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है, ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट। तो गाड़ी घुमाए जा रहा है इस फिराक में कि जो काम कोहली नहीं कर सकी तेरी खड़ी कर देगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा ऑफिसर। के बीच में मैं तुझे 10 गोलियां मार सकता हूं, तो अकेले में तेरे सर में 1 गोली मारने से मुझे कौन रोकेगा? तेरी सांसें इस गाड़ी के पहियों की तरह इसलिए चल रही है क्योंकि तेरी कहानी दिलचस्प है, और मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। शराफत से आगे सुनाता जा और इसका एंड बदलने की कोशिश मत करना। मरेगा तो तू जरूर मनिया, क्योंकि जीते जी तूने कानून की इतनी ठुकाई की है, क्या तुझे खुदा की खुदाई भी नहीं बचा सकती। साले क्या मस्त जगह बनाई है यार, एक से एक कड़क आइटम आती हुए है ना। क्या फर्क पड़ता है भाई, अबे एक बार बत्ती बंद हो गई अंधेरे में सब हेमा मालिनी और अपुन बादशाह। भाई बादशाह चूतिया था जो उसने ताजमहल बनाया, तू होता तो क्या बनाता? कुतुब मीनार। क्यों? लंबा है और इतने सालों से खड़ा भी है बेंच। ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या आप भी रिजर्व्ड है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व्ड रहता है। जगह जगह मूत कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता है।
नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता? तुझे क्या लगता है, सड़क से दो चार लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। इसकी? नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसान मंद हूं मैं, अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। जूस नहीं पिएगा? नहीं मैं नहीं पीता। ये सिर्फ चाय पीते हैं। वैसे भाई साहब आप भाभी जी और छोटू को साथ में नहीं लाए? वो माँ के पास गई है, मैं कहे सलमान को भी साथ ले गई है। अरे क्या बात है फाक, लकी है तू यार। नहीं मैं सुमन को बोला, कभी कभी मायके जाया कर, जाती ही नहीं। इसकी माँ आती है 15-15 दिन में। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके आती हूँ। आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा, अब बरोबर है ना? आज नहीं तो कल अमोलकर को पढ़नी ही थी। मुझे प्रॉब्लम उसके मार खाने से नहीं, अगर उसे जान से भी मार देते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो साला वर्दी में था। वर्दी चाहे फौजी की हो या हमारी, यही लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनका मुल्क उनका शहर महफूज है। लेकिन अगर एक मामूली गुंडा एक पुलिस वाले को खुलेआम वर्दी में मारता है तो अकेला नहीं, हम मार खाते हैं। ये वर्दी लोगों को भरोसा देती है, हम नहीं। तू पब्लिक की बात कर रहा है, यहाँ अपने डिपार्टमेंट वालों को खुद की वर्दी पे भरोसा नहीं रहा। आमोलकर को देख, मान्या से इतना घबर गया है कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं। बुरखा पहन के गया था हेडक्वार्टर अर्जी डालने, ट्रांसफर की मांग की है। बोलता है बॉम्बे से जितना दूर भेजोगे उतना अच्छा। अब बोल क्या करना चाहिए? ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा अम्बट। हाथ में बंदूक हो तो हिजड़ा भी अपने आप को मर्द समझता है, एक गुंडे के हाथ में बंदूक हो तो खुद को खुदा समझता है। छोड़ना फाक, तू मानिया को ज्यादा महत्व दे रहा है। छोटा मोटा मवाली एक दिन कुत्ते की मौत करेगा, देख लेना। चिंगारी माचिस के डिब्बे में क्या बंद होगी, लोगों ने यह समझा कि वो सिर्फ सिगरेट जलाने के काम आती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी चिंगारी को अगर हवा लग जाए तो वो चिताएं भी जलाती हैं। जलाने दे साले को एक दूसरे की चिताएं, अपन उसी चिता की आग में हाथ सेकेंगे। मनोहर क्या है ये, तू जेल से भागा है? नहीं, चारधाम की यात्रा करके लौटाओ। उम्र कैद हुई थी, मुझे नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सड़ता। बंबई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुरवे, बाप। ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे बैठ जा वो मनोहर। तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसी सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनहगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं।
अरे एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे पहले छोड़ा था। हाँ, कहाँ जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले हरामियों की कमी नहीं है शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझी? तू तो छुएगा ना, और तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। घिन आती है मुझे तुझसे। तुझे क्या लगता है, मनिया सुर्वे का बिस्तर गर्म करने वालियों की कमी है? जिसकी तरफ इशारा करूंगा सली दौड़ के आएगी। सादी की हालत क्या चाहिए? खराब है। कोई स्टेटमेंट दिया? पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, उन दोनों भाइयों से बात कर रहे हैं। क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में हरामजादे बेल पे बाहर आ गए, और ये हाल किया सादिक मियां का? तेरा गुस्सा जायज है जुबेर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं साले, पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी पर तेरे खून में आयन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला और लाला को जाके ठोकना, यहाँ किसको कमी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था। देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जाए इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे। कुछ भी किया तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। गुमा क्या अंबाट? कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचा यहीं इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास,
पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है न देखता है न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे, गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास, माफ कर सकता।